उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां ब्लैक फंगस के करीब 1500 केस सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि लोगों को सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस की दवा यानी एम्फोटेरिसिन बी दी जाए। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना का कहर देखा गया था और अब ब्लैक फंगस के मामले भी 1500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवाई मुहैया कराने के लिए। यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है जो सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा खर्चा वाला काम होता है वो एम्फोटेरिसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इसीलिए म्यूकर माइकोसिस के मरीजों पर उनके जेब से खर्चा न हो यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। अभी मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं और वीकली बढ़ने की जो संभावना है वो भी 400-500 के दरमियान है। तो इन सभी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट का कार्य जो उनके ऊपर है वो तेज़ी से करना ज़रूरी है, जल्दी करना बहुत ज़रूरी है, उसको उसके ऊपर गौर करके, क्योंकि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला है एम्फोटेरिसिन बी का, यहाँ भी हमने ऑर्डर्स दिए हैं लोकल में, लेकिन ये ऑर्डर्स दे के कोई मतलब नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट जो होएगा वही हमारे को मिल सकेगा। नहीं तो हमने ऑर्डर दिया भी है, हमने तो 2 लाख वाइल्स की ऑर्डर दी है लेकिन हमारे को मिला है अभी तक 15,000-16,000 वाइल्स। तो जो भी मिले हैं हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल जो संख्या है उसके मुताबिक हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है।